प्रश्न संख्या 9 देखो, दी गई आकृति में ए बी सी डी एक आयत है जिसकी भुजा ए बी बराबर 10 सेमी बी सी बराबर 7 सेमी है। आयत के प्रत्येक शीर्ष पर 3.5 सेमी त्रिज्या के वृत्त खींचे गए हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात। देखो ये एक आकृति दी, देखो यहां पर ये एक आयत है, ये ए बी सी और ये डी, ये 7-10 सेमी है, ये 7 सेमी है। ए बी जो है वो 10 सेमी है और बी सी जो है वो 7 सेमी है, और इसके प्रत्येक शीर्ष 1, 2, 3 और ये 4 शीर्ष है, आयत है। आयत का प्रत्येक आमने सामने की भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण जो है वो समकोण होता है, ये आयत की विशेषता होती है। आमने सामने, अब ये 10 सेमी है तो ये भी 10 सेमी है, ये 7 सेमी है तो ये भी 7 सेमी है, और इसका कोण 90 डिग्री है, इसका कोण भी 90 डिग्री से कोण भी 90 डिग्री से कोण। अब वो कह रहे आयत के प्रत्येक शीर्ष पर 3.5 सेमी त्रिज्या के वृत्त खींचे गए हैं। अब देखो यहां से ये 3.5 सेमी का वृत्त है, यहां से ये 3.5 सेमी का वृत्त है, और यहां से ये 3.5 सेमी का वृत्त है, और यहां से ये 3.5 सेमी का वृत्त है। ये तो आपको ये बताना कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या है, ये आपको ये बताना है कि छायांकित भाग का जो है वो क्षेत्रफल कितना है, ये बताना है। अब आपको सबसे पहले इस चित्र को समझिए, केवल इस चित्र को समझना है। अब देखो ये प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, ये 3.5 सेमी त्रिज्या का वृत्त है, ये भी 3.5 है, तो ये भी कितनी है 3.5 है, ये भी 3.5 है, ये भी 3.5 है, ये भी 3.5 है, ये सब 3.5 सेमी के वृत्त खींचे गए। आप इसको ऐसे देखो, ऐसे भी हो सकता है, यहां देखो ये ऐसे वृत्त खींचे गए यहां पर, ये ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, ये बाहर नहीं दिया हुआ है केवल अंदर दिया हुआ है, तो ये वृत्त के चतुर्थांश खींचे गए, चार चतुर्थांश खींचे गए हैं, एक चतुर्थांश ये, एक चतुर्थांश ये, एक चतुर्थांश ये, एक या त्रिज्या खंड भी है, ये चार त्रिज्या खंड है, एक त्रिज्या खंड है, दो त्रिज्या खंड है, तीन त्रिज्या खंड है, और ये चौथा त्रिज्या खंड है, चार इसमें त्रिज्या खंड है। आयत के क्षेत्रफल में से आप इस आयत के क्षेत्रफल में से इन चार त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल घटाएंगे तो पीछे क्या बच जाएगा, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। यदि या आप इस आयत के क्षेत्रफल में से इन चार चतुर्थांशों का क्षेत्रफल घटाएंगे तो भी क्या आ जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। पहले आप पूरे का ज्ञात कर लो, आप यहां से यहां तक ये पूरा आ जाएगा, जिसमें ये खाली जगह आपका सब सारा काम आ रहा है, उसके बाद ये खाली जगह, ये इसका 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 इन चारों का जो क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे वो पूरे वाले भाग में से घटा देंगे तो पीछे जो है ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल बच जाएगा। इसका क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल माइनस चार त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल, या आयत का क्षेत्रफल माइनस चार चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, ये भी आप कह सकते हैं, चार त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल या चार चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। ये चार त्रिज्य खंड भी है और चार क्या, ये चतुर्थांश भी है। लिख लो, आ लिखो आयत की लंबाई, यहां लिखिए आयत की लंबाई, आपके पास आयत की लंबाई जो है वो है 10 सेमी, ये 10 सेमी, और आयत की चौड़ाई जो है वो कितनी है, 7 सेमी है। लिख दो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा क्या होता है, चौड़ाई होता है, 10 × 7 कितना हुआ, 70 वर्ग सेमी। ये पूरी आकृति का क्षेत्रफल है, ये पूरी आकृति का क्या, ये क्षेत्रफल है, पूरी जो आकृति है इस आयत का जो संपूर्ण जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 70 वर्ग सेमी है। अब देखो, अब आप देखो यहां लिखिए वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कितनी दी हुई है, 3.5 सेमी, और कोण कितना है बताओ, कोण कितना होगा,
आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है? समकोण होता है, इसलिए कोण क्या होगा? 90 डिग्री। थीटा जो है वो बन गया 90 डिग्री। यानी प्रश्न कह रहे आयत के प्रत्येक शीर्ष पर 3.5 सेमी त्रिज्या का वृत्त खींचे गए या चाप खींचे गए हैं। तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिख लो, यहां लिखो 4 त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल, 4 त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल। इसमें 4 त्रिज्य खंड है, तो 4 त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल आप हल करेंगे। हल कर दो, 4 गुणा का चिन्ह थीटा बटा 360 गुणा क्या हुआ? पाई आर स्क्वायर। ये एक का है, किसका? ये एक का, और 4 से गुणा कर दो, 4 का आ जाएगा। यदि 3 है तो 3 से गुणा कर दो, 2 है तो 2 से गुणा कर दो। हल करो, 4 गुणा का चिन्ह थीटा हो गया 90 बटा 360 गुणा का चिन्ह 22 बटा 7 गुणा का चिन्ह कितना हुआ? 35 बटा 10 गुणा का चिन्ह कितना हुआ? 35 बटा 10। तो आटा डाटा दिया, काट दो, 5 दूनी 10 5 आता 35, 5 दूनी 10 5 आता 35, 7 से 7 काट दो, 2 से काट दो 11, 0 से 0 काट दो, 9 कम 9 9 तो का 36, और 4 से ये 4 काट दीजिए। अब ऊपर क्या रहा? 11 7 कितना हुआ? 77, 77 बटा कितना हुआ? ये 2 बराबर कितना हुआ? 38.5 सेमी का स्क्वायर। ये 4 त्रिज्यीय खंडों का क्षेत्रफल। अब आप यहां देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ? आयत का क्षेत्रफल माइनस 4 त्रिज्यीय खंडों का क्षेत्रफल। यहां देखो आयत का क्षेत्रफल माइनस 4 त्रिज्यीय खंडों का क्षेत्रफल, 4 त्रिज्यीय खंडों का क्षेत्रफल बराबर का चिन्ह। अब बताओ आयत का क्षेत्रफल कितना है? 70, यहां लिख दो 70 माइनस, और 4 त्रिज्यीय खंड का कितना है? 38.5 बराबर का चिन्ह। 70.0 में से 38.5 को घटा दो, 10 में से 5 घटा दो 5, 9 में से 8 घटा दो 1, और घटा दो 3 का 3, कितना आएगा? 31.5 सेमी का स्क्वायर। तो पहले प्रश्न को देखो, अब इसी सवाल को मौलिक इस सवाल में आपको और डालता हूं। एक वर्गाकार एक वर्ग है जिसकी भुजा 10 सेमी है, एक वर्ग की भुजा जो है वो 10 सेमी है, वर्ग के प्रत्येक शीर्ष पर 7 सेमी त्रिज्या के वृत्त खींचे गए हैं। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, या एक वर्ग की भुजा जो है 14 सेमी है, उसके प्रत्येक शीर्ष पर 7 सेमी त्रिज्या के वृत्त खींचे गए हैं छायांकित भाग का। अब देखो यहां देखो ये वर्ग है, ये वर्ग है, ये 14 सेमी का है, ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, ए डी हो गया। अब वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। ये 14 सेमी, ये भी 14 सेमी, ये भी 14 सेमी, ये भी क्या, ये 14 सेमी है। अब सवाल ये कहता है कि वर्ग के प्रत्येक शीर्ष पर 7 सेमी त्रिज्या के वृत्त खींचे गए हैं। अब देखो यहां से ये 7 सेमी का वृत्त यहां से, ये 7 सेमी का वृत्त यहां से, ये 7 सेमी का वृत्त यहां से, और ये 7 सेमी वृत्त यहां से। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये तो था आयत था, अब ये वर्ग है। अब बताओ क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 त्रिज्यीय खंडों का क्षेत्रफल। इसमें क्या है? आयत का क्षेत्रफल माइनस 4 त्रिज्यीय खंडों का क्षेत्रफल। इसमें क्या है? वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 त्रिज्यीय खंडों का क्षेत्रफल। लिख दो वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा कितनी है? 14 सेमी। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर होता है, 14 का आप स्क्वायर कर दो, कितना हुआ? 196 सेमी का स्क्वायर आ गया। ये पूरी आकृति का क्या आ गया? क्षेत्रफल आ गया। अब आप यहां लिखो वर्ग वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। अब इसके वर्ग के प्रत्येक शीर्ष पर 7 सेमी त्रिज्या के वृत्त खींचे गए। अब देखो ये 7 सेमी त्रिज्या वृत्त है, ये ऐसे देखो, ये
ये ऐसे सात सात सेमी का ये बैठता है यहां पर ये ऐसे वृत्त खींचे गए, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी बन गई, सात सेमी बन गया। और कोण बताओ, कोण कितना होगा, थीटा जो है कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि आयत का और वर्ग का प्रत्येक कोण जो है समकोण होता है, इसलिए वृत्त की त्रिज्या कितनी हुई 7 सेमी, और कोण कितना हो गया 90 डिग्री। लिख दो, चार त्रिज्यीय खंडों का क्षेत्रफल, चार त्रिज्यीय खंडों का क्या होता है, 4 × θ/360 × π r² हल कर दो, 4 × का चिन्ह और थीटा हो गया 90 × 360 × का चिन्ह 22/7 × का चिन्ह 7 × 7 काट दो, 0 से 0 काट दो, काट दो 4, 4 से 4 काट दो, 7 से 7 काट दो, कितना 154 सेमी का स्क्वायर। लिख दो, क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चार त्रिज्यीय खंडों का क्षेत्रफल, चार त्रिज्यीय खंडों का क्षेत्रफल। अब वर्ग का क्षेत्रफल कितना हुआ 196, माइनस कितना हुआ 154, घटा दो, 2 का 2 और 4 का 4 कितना हुआ 42 वर्ग सेमी। ये बोर्ड में आया हुआ 3 अंक का सवाल ये। तो सवाल ये सेम का सेम है, तो इसमें आयत की लंबाई 10 सेमी है, आयत की चौड़ाई 7 सेमी है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई 10 × 7 कितना हुआ 70 वर्ग सेमी बन गया। वृत्त की त्रिज्या आयत के प्रत्येक शीर्ष पर 3.5 सेमी त्रिज्या का वृत्त खींचा गया है, तो ये 3.5 सेमी त्रिज्या का वृत्त है, और कोण हो गया 90 डिग्री। चार त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल कितना हुआ 4 × θ/360 × क्या हुआ पाई आर स्क्वायर। अब इसको आप ये भी लिख सकते हो, क्या लिखेंगे, चार चतुर्थांशों का क्षेत्रफल भी आप लिख सकते हो, ये लिख लो, बने आप ऐसे भी लिखते हो, क्या लिखेंगे बताओ, वृत्त की त्रिज्या कितनी है 3.5 सेमी, कोण हो गया 90 डिग्री। अब आप यहां लिखो चार चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, चार चतुर्थांश है 4 × का चिन्ह। अब चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल क्या होता है 1/4 × क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, होता नहीं होता है, ये 4 से गुना हो जाएगी, 4 चतुर्थांश है इसलिए 4 से गुना कर दो, अब करो 4 × 1/4 × 22/7 × कितना हुआ 35/10 × कितना हुआ 35/10 काट दो, 4 से ये 4 कट गया, काटो 5 × 10 5 आता 35, 5 × 10 5 आता 35 काट दो, कट गया, 2 से 4 कितना हुआ 11, 11 से कितना हुआ 77 / कितना हुआ 2, 12 / कितना हुआ 38.5 सेमी का स्क्वायर। लिख दो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा आयत का क्षेत्रफल माइनस क्या लिखेंगे 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, यहां लिख दो 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, तो 70 माइनस क्या हुआ 38.5 कितना हुआ 31.5 सेमी, सेम का सेम सवाल। तो आप इसमें चार त्रिज्यीय खंड भी ले सकते हो और चार चतुर्थांश भी ले सकते हो, तो ये इस प्रकार ये आयत का दिया हुआ है, ये वर्ग। अब त्रिभुज का भी इसमें आएगा, उदाहरण उदाहरण में त्रिभुज का दिया हुआ है, त्रिभुज में 3 त्रिज्याखंड होते हैं, त्रिभुज में 3 त्रिज्याखंड होते हैं, तो 3 त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल हो जाएगा, 3 से गुणा कर देंगे। अब पहला उदाहरण पढ़ो, पहला उदाहरण पढ़िए, पहला उदाहरण देखो क्या दिया है, एक वृत्त के चाप की लंबाई 4 सेमी और त्रिज्या 6 सेमी है, वृत्त के त्रिज्यीय खंड का, यहां लिखो पहले देखो, चाप की लंबाई, जो है वो है 4 सेमी और त्रिज्या जो है वो है 6 सेमी, ये 6 सेमी चाप की लंबाई 4 सेमी है और त्रिज्या हमारे पास 6 सेमी है। अब आप लिखो लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्य खंड का क्या होता है 1/2 L × R, क्या होता है 1/2
एक बटा दो एल गुणा क्या हुआ आर। एल का मतलब है सांप की लंबाई, आर का मतलब है त्रिज्या। एक बटा दो एल गुणा क्या होता है आर, हल कर दो। एक बटा दो गुणा का चिन्ह एल कितना दिया हुआ है, एल दिया हुआ है चार गुणा कितने कितने छह, काट दो कितना दो, छह कम छह छह दूनी बारह, बारह सेमी आ गए। यहां किताब के अंदर सांप की लंबाई से त्रिज्या ज्ञात करनी है, आपको जरूर नहीं करना, कोई आवश्यकता नहीं इसके अंदर। देखो सांप की लंबाई कितनी हुई है, चार सेमी दे रखी है, त्रिज्या कितनी दी हुई है, छह सेमी दी हुई है। लघु त्रिज्या खंड का क्या होता है, एक बटा दो एल गुणा आर होता है। ये भी आपको याद करना है, लघु त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है एक बटा दो एल गुणा आर। क्या है, एक बटा दो एल गुणा आर। तो एक बटा दो एल गुणा क्या हुआ आर, तो एक बटा दो गुणा चार गुणा छह, काटो कितना दो, दो से गुणा कर दो, छह दो नहीं बारह वर्ग सेमी। उदाहरण देखो तुझे पढ़ो क्या कह रहा है, देखो इसे किताब देखो, यहां देखो, देखो ये उदाहरण दिए पड़ा, सूत्र दिया पड़ा ऊपर देखो, देखा ये एक बटा दो एल गुणा आर, यहाँ पे सूत्र दिया पड़ा, ये सांप की लंबाई का दिया हुआ है, त्रिज्या खंड का भी दिया हुआ है, और ये भी दिया हुआ है एक बटा दो एल गुणा आर भी इसमें दिया हुआ है। आगे देखो उदाहरण नंबर दो पढ़ो, एक वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 50 डिग्री है, यानी थीटा कितना है 50 डिग्री दिया हुआ है। यदि चाप की लंबाई 5 पाई सेमी हो तो चाप द्वारा बने लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक है वृत्त, क्या पूछा है, वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर कोण कितना है 50 डिग्री है, और चाप की लंबाई कितनी है 5 पाई सेमी है, तो चाप द्वारा बने लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। देखो कोण आपको थीटा, यहां देखो कोण जो थीटा दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 50 डिग्री, और आपको चाप की लंबाई दे रखी है, चाप की लंबाई कितनी दे रखी है 5 पाई, आपको 5 पाई सेमी दिया हुआ है, और आपको त्रिज्या पहले ज्ञात करनी पड़ेगी, ये क्योंकि हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हमें क्या चाहिए त्रिज्या से, यदि चाप की लंबाई और त्रिज्या होते सीधा गुणा कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास क्या है त्रिज्या नहीं है, थीटा दिया हुआ है, हमें यहाँ पर थीटा दे रखा है, तो पहले हमें चाप की लंबाई ज्ञात करनी, चाप की लंबाई दी हुई है, हमें त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी, त्रिज्या होगी तभी तो हम ज्ञात करेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, त्रिज्या बनाम कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखो अब यहाँ पर आपको चाप की लंबाई दे रखी है, क्या दी हुई है चाप की लंबाई, तो आपको चाप की लंबाई का सूत्र लगाना है, यदि चाप की लंबाई दे रखी है तो चाप की लंबाई का सूत्र लगाओ, यहां लिखो क्या लिखेंगे, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बराबर होता है थीटा बटा 360 गुना क्या होता है 2 पाई आर होता है, क्या होता है थीटा बटा 360 गुना 2 पाई आर, ये चाप की लंबाई का सूत्र है, किसका ये चाप की लंबाई का, हल करो। अब देखो चाप की लंबाई कितनी है 5 पाई, 5 पाई का 5 पाई ले लो बराबर थीटा कितना है 50 बटा कितना हुआ 360 गुना का चिन्ह 2 गुना 22 बटा, अब देखो यहां पर क्या है पाई है, तो यहां भी क्या रखेंगे पाई रखेंगे, पाई का पाई गुना क्या हुआ ये आर, क्या करेंगे आर को बाहर ले आओ, इस आर को इधर लाओ, आर जब बाहर आएगा कितना होगा 360 ऊपर जाएगा और 50 नीचे आ जाएगा, गुणा का चिन्ह एक ऊपर जाएगा दो नीचे आ जाएगा, गुणा का चिन्ह एक ऊपर जाएगा पाई नीचे आ जाएगा, गुणा का चिन्ह कितना होगा 5 है पाई। अब काट दो, काट दो जीरो से जीरो, और काटो कितना आएगा 18, काटो पाई से पाई काट दो और 5 से 5 काट दो, ऊपर क्या रहा 18, नीचे कुछ भी नहीं रहा, तो आर का मान कितना आ गया 18 सेमी आ गई, 18 सेमी त्रिज्या कितनी आ गई 18। अब आप लिख लो क्या लिखेंगे, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है एक बटा दो एल गुणा आर, क्या होता है एक बटा दो एल गुणा आर, हल करो एक बटा दो गुणा का चिन्ह एल कितना है 5 पाई, 5 पाई गुणा और आर कितना है 18, काट दो कितना आएगा 9, 9 पंजा 45 पाई सेमी का स्क्वायर, ये हल कर दो। आप इसको हल कर देता, देखो ये ऐसे ले लो क्या होगा बताओ, थीटा बटा क्या हुआ 360 गुणा कहता है पाई आर, क्या होता है इसको ये भी होता है, हल करो कितना 50 बटा कितना हुआ 360
गुणा का चिन्ह कितना हुआ 22 बटा 7 गुणा कितना हुआ 18 गुणा क्या हुआ 18। ये भी हल कर दो भाई, काट दो जीरो से जीरो काटो 18 का 18 गुना 36 और काटो कितना आएगा ये 9। अब नहीं कटेंगे 22 पंजा कितना हुआ 110, 22 पंजा 110, 110 ने 9 गुना करो 99 990, 990 बटा कितना हुआ 7। अब आप 990 के अंदर 7 का भाग लगा दो, 7 कम 7 1 का 1 2 का 2 9 7 चौका 28 4 का 4 और 1 0 7 कम 7 1 का 1 और 3 पॉइंट और 0 7 चौका 28 लिख दो 121.4 सेमी का स्क्वायर। ये भी आप लिख सकते हैं, ये भी आप हल कर सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हो लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 1/2L गुणा आर, 1/2L गुणा क्या हुआ आर, 1/2 गुणा 5 पाई गुणा कितना हुआ 18, क्योंकि चाप की लंबाई 5 पाई है तो 5 पाई गुणा कितना हुआ 18, काट दो 9 × 5 = 45 पाई लिख दीजिए। तीसरा पढ़ो, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी और त्रिज्य खंड का कोण 90 डिग्री है, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है और वृत्त त्रिज्य खंड का कोण कितना है 90 डिग्री है, त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई और उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, आपको चाप की लंबाई और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। लिख दो वृत्त की त्रिज्या कितनी बताओ, त्रिज्या हो गई 7 सेमी और कोण थीटा, थीटा जो है वो कितना है 90 डिग्री दिया हुआ, ये 90 डिग्री। क्या पूछा है लघु त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई, क्या पूछा है चाप की लंबाई और उसका क्षेत्रफल पूछा है, लिख दो यहां लिखो क्या लिखेंगे चाप की लंबाई, चाप की लंबाई क्या होती है थीटा बटा 360 गुणा क्या होता है 2πr, ये चाप की लंबाई होती है। हल करो कितना 90 बटा 360 गुणा कितना हुआ 2 गुणा कितना हुआ 22 बटा 7 गुणा 7, काट दो 7 से 7 काट दो 0 से 0 काट दो 9 एकम 9 9 चौका 36 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 से काट दो कितना आएगा 11 लिख दो बराबर 11 सेमी। ये चाप की लंबाई आ गई, क्या आ गई है चाप की लंबाई। यहां लिख दो लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2L गुणा आर, क्या होता है 1/2L गुणा आर, हल करो 1/2 गुणा का चिन्ह बताओ L कितना आया 11 गुणा का चिन्ह R कितना ये 7, करते नहीं है गुणा करो कितना हुआ 11 7 कितना हुआ 77 बटा कितना हुआ 2 बराबर कितना हुआ 38.5 सेमी का स्कोर आ गया। आप सूत्र लगा लो भले, देखो ये भी लगा लो भले क्या हुआ बताओ थीटा बटा क्या हुआ 360 गुणा क्या हुआ पाई आर स्क्वायर, ये भी लगा सकते हो बताओ थीटा कितना है 90, लिख दो 90 बटा कितना हुआ 360 गुणा क्या हुआ 22 बटा 7 गुणा क्या हुआ 7 गुणा 7, काट दो काटो 0 से 0 कितना हुआ 9 चौका 36 7 से 7 कट गया काटो 2 से काट कितना 11 11 सता 77 बटा कितना हुआ 2 बराबर कितना आएगा 38.5 सेमी का स्क्वायर, ये सेम का सेम आ गया। चाहे वो आप सूत्र लगा सकते हो चाप की, हमारे पास जब चाप और त्रिज्या है तो हम सीधा सूत्र लगा देंगे 1/2L गुणा आर, आपको गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा कट जाएगा L और R काट दो 1/2L गुणा आर। तीसरा चौथा पढ़ो समझो प्रश्न को, समझो जैसे प्रश्न को समझिए, देखो चौथा सवाल क्या कहता है दी गई आकृति, आपके पास आकृति दी हुई है ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज क्या होता है जिसकी तीनों भुजा लंबाई में समान हो तथा प्रत्येक कोण क्या होता है 60 डिग्री होता है, समबाहु त्रिभुज की यह विशेषता होती है तीनों भुजा लंबाई में बराबर होती है और प्रत्येक कोण जो है क्या होता है 60-60 डिग्री के होते हैं, जिसकी एक भुजा 20 सेमी है, त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 10 सेमी त्रिज्या के चाप खींचे गए हैं, 10 सेमी त्रिज्या के चाप खींचे गए हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई का मान 3.14 और रूट 3 का मान 1.73 लेना है, ये देना ये प्रश्न आपको कह रहे हैं। आप देखो यहां देखो ये त्रिभुज है, ये
ए बी और ये सी, एक त्रिज्याखंड ये है, एक त्रिज्याखंड ये है और एक त्रिज्याखंड ये है। इस छाया किस बाकस में ज्ञात करना है। अब ये बुधा कितनी है, 20 सेमी है, तो ये भी कितनी होगी 20 सेमी, और ये भी कितनी होगी 20 सेमी, और प्रत्येक कोण क्या होता है 60 डिग्री, ये भी क्या होता है 60 डिग्री, और ये भी क्या होता है 60 डिग्री, और प्रत्येक शीर्ष पर 10 सेमी त्रिज्या का ये चाप खींचा गया यहां पर, ये 10 सेमी का ये 10 सेमी त्रिज्या के ये चाप खींचे गए हैं। क्या खींचे गए हैं? 10 सेमी त्रिज्या के चाप खींचे गए। अब देखो समबाहु त्रिभुज में से बताओ छाया के द्वारा का क्षेत्रफल क्या है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस 3 त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल है, यानी आयतपथ क्या था 4 त्रिज्याखंड था और इसमें क्या है 3 त्रिज्याखंड है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस 3 त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल लिख दो। समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी दी हुई है 20 सेमी, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब आपके सामने यहां पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको सूत्र लिखा रखा है, √3/4 गुना क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, तो आप यहां लिख दो क्या लिखेंगे √3/4 गुना क्या होता है भुजा का स्क्वायर लिख दो। ये समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो √3/4 गुना क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है, होता नहीं है। अब सवाल कर दो बराबर का ये चीज। अब देखो किताब में कह रहे कि √3 का मान जो है क्या लेना है 1.73, क्या लेना है 1.73, किताब में दिया हुआ है तो वही आपको मान लिखना है, लिख दो कितना कर दो 1.73 बटा कितना हुआ 4 गुणा का चिन्ह भुजा कितनी है 20 का स्क्वायर, हल करो 173/ कितना हो जाएगा 400 गुणा का चिन्ह 20 को 20 से गुणा कर दो 400, ये 400 400 क्या हुआ कट गया, कितना हुआ 173 सेमी का स्क्वायर। देखो इसका कोई ना कोई कारण था क्योंकि इससे आपस क्या हो गई कट गई, कितना आ गया 173 सेमी का स्क्वायर, किसका ये त्रिभुज का आ गया। अब आप यहां लिखो वृत्त की त्रिज्या, बताओ वृत्त की त्रिज्या कितनी बन गई, वृत्त की त्रिज्या जो है वो 10 सेमी है और कोण कोण कितना होगा। अब आपको यहां ध्यान रखना है कि आयत में तो प्रत्येक कोण क्या होता है समकोण होता है, लेकिन त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है 60 डिग्री होता है, तो आप यहां ले लो कोण कितना होगा ये 60 डिग्री। अब ले दो यहां रख दो 3 त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल, 3 त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ 3 गुणा का चिन्ह थीटा बटा 360 गुणा क्या हुआ पाई आर स्क्वायर, ये 3 से गुणा करेंगे तो 3 त्रिज्याखंड आ जाएगा, और 4 से गुणा करेंगे तो 4 त्रिज्याखंड आ जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 2 त्रिज्याखंड आ जाएगा। हल करो 3 गुणा का चिन्ह कितना 60/360 गुणा का चिन्ह, अब वो कह रहे पाई का मान क्या पूछे, पाई का मान 3.14, पाई का मान क्या पूछा है 3.14, तो आप 314/ क्या हुआ 100 गुणा का चिन्ह 10 का गुणा ये 10 काट दो, 0 से 0 काट दो, 0 से 0 काट दो, 0 से 0 काट दो, 6 छंगे 36, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 200 काट दो, 2 एकम 2, 5 दो 10, 157, 200 काट दो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 217 कितना हुआ 157, यहां लिख दो 157 सेमी का स्क्वायर। अब लिख दो क्या लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, बताओ क्या होगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस 3 त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल, यहां लिखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस 3 त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल, 3 त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस 3 त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल। अब बताओ संभव कितना ये 173 माइनस कितना हुआ 157 बराबर का चिन्ह, 13 में से 7 घटा दो 6 और 6 में से 5 घटा दो 1 कितना देगा 16 सेमी का
ये सम ये छायांकित भाग का जो है सामने पड़ा है सवाल, केवल प्रश्न को समझना है कि एक त्रिभुज दिया हुआ है, उस त्रिभुज के अंदर तीन त्रिज्य खंड है, क्या ये चार चतुर्थांश थोड़ी है, चार चतुर्थांश नहीं है ना, ये चतुर्थांश नहीं है, ध्यान रखना इसमें केवल तीन त्रिज्य खंड ही होगा, यदि आपने तीन चतुर्थांश ले लिया तो गलत हो जाएगा ये। अब एक सवाल और लिखो लास्ट पांचवा पढ़ो, एक घड़ी के घंटे की सुई, एक घड़ी के घंटे की सुई 6 सेमी लंबी है, कौन सी सुई है, घंटे की सुई है, कौन सुई है, घंटे की सुई है, घड़ी के घंटे की सुई 6 सेमी लंबी है, 90 मिनट में इस सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना, लिख दो, घड़ी के घंटे की सुई कितनी दी हुई है 6 सेमी लंबी है, 6 सेमी यानी घंटे की जो सुई जो है वो 6 सेमी, अर्थात त्रिज्या कितनी हो गई 6 सेमी। अब यहां लगाओ कोण, यहां लगना कोण, अब वो कोण कितना है, आपको मालूम है कि घंटे की सुई है, घंटे की जो सुई होती है वो 1 मिनट में आधे डिग्री कोण आती है, 12 डिग्री आती है, तो 90 मिनट दिया हुआ है तो बताओ 90 मिनट में वो कितने डिग्री कोण आती है, 35 बन जाएगा, तो आप यहां से देख दो 1/2 गुणा कितना हुआ 45, 90 ये 90 का दो कताएगा 90/2 12 बखता हुआ 45 डिग्री बन से, आपको भाषा लिखने कोई जरूरत नहीं इसके अंदर, सीधा देखो को थीटा या कोण, कोण लिख दो 1/2 गुणा क्या क्या हुआ 90 डिग्री, 1/2 गुणा क्या हुआ 90, ये 90 मिनट है, क्या ये 90 मिनट है और ये आधा डिग्री है, ये 1 मिनट के अंदर घंटे का जो सुइया होता है वो 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाता है, इसीलिए 90 मिनट में बनाएगा 90/2 कितना बनाएगा 45 डिग्री का कोण बना देगा, आपको पूछा है 90 मिनट में बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो आप यहां ले दो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, थीटा बटा 360 गुणा क्या होता है पाई आर, हल कर दो कितना बताओ 45/360 गुणा का 3 22/7 गुणा कितना हुआ 6 गुणा 6 काट दो 45 8 होता है 360 8 बार कट गया और काट दो कितना आएगा 3 कितना आएगा 4 और काट दो कितना आएगा 3 कितना आएगा 2 और काट दो कितना आएगा 11 गुणा करो 3 3 9 11 9 कितना हुआ 99/7 बराबर 14.14 सेमी का स्क्वायर, 99 में यदि 7 का भाग लगाओगे कितना आएगा 14.14 आएगा, देख लो भाई 99 भाग ला देख लो लगाओ 7 × 7 एक बार और 2 × 2 29 7 × 28 7 × 28 और 1 यहाँ पॉइंट और 0 7 × 7 एक बार और 3 7 × 28 14.14 सेमी का स्क्वायर लो, तो घड़ी के घंटे की सुई की जो त्रिज्या जो है वो 6 सेमी है, घंटे की सुई तो देखो घड़ी के घंटे की सुई जो है वो 6 सेमी यानी त्रिज्या 6 सेमी हो गया, कोण जो होगा 1/2 गुणा 90 मिनट, अब आप यहाँ कहते 80 मिनट है तो 1/2 गुणा क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, 60 है तो 1/2 गुणा क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, 100 मिनट है तो 1/2 गुणा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो ये आ गया 45 डिग्री का कोण और त्रिज्य खंड का चलो होता है थीटा बटा 360 गुणा क्या हुआ पाई आर स्क्वायर, 45/360 गुणा 22/7 गुणा 6 गुणा 6 काट दीजिए 99/7 पर रखता हुआ 14.14 सेमी का स्क्वायर, इस प्रकार ये आपके उदाहरण 1 से 5 हो गए, कल आप एक और रहा है केवल वृत्त खंड रहा है इसे सूत्र कल आपको करवा देंगे।